brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar. Download the app now. ये वही जगह है विव रिचर्ड, जहाँ पर आपको अपने घर में मिले चाहे नहीं मिले, अपने कहीं पर आपको मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन ये गोल्फ कोर्स है, ये सबको पता है इंडिया में, कहीं किसी से भी पूछेगा कि विव रिचर्ड्स किस गोल्फ कोर्स पे खेलते तो वो आपको बता देंगे, तो विव रिचर्ड्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। मैं इंटीगा आया, ना विव रिचर्ड से मेरी बात हुई थी, ना फोन नंबर का वो जवाब दे रहे थे, कॉल नहीं उठाते थे, मैसेज का जवाब नहीं देते थे। उनके चाहने वालों ने भी कहा कि विव रिचर्ड्स फोन पर्सन नहीं है, मतलब उनसे धोनी की तरह फोन पर आप उनसे पहुंच नहीं सकते हैं, फोन से उनसे मुलाकात, अगर आपको उनसे मिलना है चांस दीजिए, जाइए, इंतजार कीजिए, आप लकी होंगे तो आप मिल जाएंगे। तो आपने तो देख ही लिया, मैं लकी था, मैं आया सुबह से यहाँ पर बैठा हुआ था और इंतजार करता रहा। शुरू में तो विव रिचर्ड्स ने कहा कि नहीं मैं बात नहीं करूंगा, आप अचानक आए, उनको लगा मैं क्रिकेट कवर करने आया हूँ, मैं ऐसे ही यहाँ टाइम, फिर मैंने उनको बताया कि नहीं मैं एंटीगा सिर्फ उनके लिए आया, मैंने क्रिकेट कवर कर ली, मैं यूएसए नहीं गया। तो इस बात से वो बड़े प्रभावित थे, उन्होंने कहा कि ठीक है आप बैठिए मैं आता हूँ देखता हूँ, मैं वादा नहीं किया, लेकिन वो आए और उसके बाद ये पीछे का नज़ारा देख रहे हैं, ये इनके सारे चाहने वाले हैं, लेकिन बहुत ही नॉर्मल उनको ट्रीट करते हैं लोग। और ये एंटीगा की बहुत ही खास बात मुझे लगी यहाँ पर कि विव रिचर्ड्स है सुपरस्टार आइकॉन है, लेकिन बहुत ही उन्हें आम जन की तरह ट्रीट किया जाता है और ये बात उनको जुदा करती है। और ये बात मुझे ले गई करीब 11 साल पहले, मेरी पहली किताब सचिन तेंदुलकर पर मैंने लिखी थी और वही किताब मैं गिफ्ट देने के लिए सर विव को आया था। आप देख सकते हैं मैंने इनको लिखा है, डियर सर विव, यहाँ पर मैं आपसे आपको याद दिला देना चाहूँगा मार्च 2011 की बात, जब आप हमारे स्टूडियो हमारे मेहमान थे और किस तरह से आप मेरे एक सवाल पे सचिन पे जब मैंने पूछा था तो आप नाराज़ हो गए थे। उसके बाद मैं जब यहाँ इंटीगा आया तो मैं आपको ये किताब गिफ्ट करने आया, क्योंकि मुझे लगता है कि 12 साल में आपने मेरा फॉरवर्ड लिखा था और देखिए मैंने ये बार साफ साफ लिखा उनको कि भाई आप उस समय गेस्ट थे, आप इंटरव्यू के लिए तैयार हुए हैं, मेरे से एक नासमझी हुई थी जिसके चलते आपने मुझे बहुत डांटा था, बुरी तरह से डांटा था, लेकिन अगले दिन आपने माफ़ी मांगी और उसके बाद आपने कहा कि नहीं मैं इंटरव्यू करूँगा। तो वही वजह है कि मैं यहाँ आया हूँ। What I have written, this is my expression. I have written about you. If you remember that, you just see. If you remember the incident, I just want to see. Yeah, I remember now. Remember that? Yeah. So I was chatting that thing with. उसके बाद सरवेम ने मेरी किताब पे बड़े सम्मान दिया, उन्होंने कहा कि आपने बहुत मेहनत की है और इस किताब को मैं पढ़ूंगा, घर ले जाकर पढ़ूंगा, वक्त मिलेगा। उन्होंने ये वादा किया कि तुरंत तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन मैं पढ़ूंगा और मैं देखूंगा कि आपने जो लिखा है सचिन के बारे में वो कितना सही है और मैंने जो कहा है वो सही लिखा है। मैंने बोला बिल्कुल आप करेंगे, लेकिन इसी दौरान मैंने विव को देखा कि जिस तरह से वो अपने जो आम लोग हैं उनके साथी हैं सब लग रहा था कि उनके दोस्त हैं, मतलब आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि एंटीगा का सबसे बड़ा आदमी जो सबसे बड़ी पहचान है वो आम लोगों की तरह घूम रहा था, बातें कर रहा था, जो दुकान के लोग हैं उन सबसे इतना सामान्य, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि इतना विव रिचर्ड्स इतने सामान्य व्यक्ति कैसे हो सकते हैं। हम हिंदुस्तानियों को तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो सकता कि जब हम अपने क्रिकेटर को सुपरस्टार के तौर पे देखते हैं, ये अपने आप में मुझे हिलाने वाली बात थी, मैं समझ ही नहीं पाया। तो मैंने सोचा क्यों ना उनके कुछ साथी जो रोज उन्हें देखते हैं उनसे बात की जाए। कुड यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हाउ डू यू स्पेल योर नेम? So you are quite lucky. Every day you meet, get to meet Mr. Vivian Richards. What kind of person he is when he comes over here on these counters? Oh, he's always very polite. He's engaging. He always tries to ensure that he remains friendly, extremely friendly. And I would say it was definitely an honor having to serve him regularly. My name is Chris Anthony, and I mean, we're casual, we're friends. So, sir, we're walking here and there was no air of, you know, greatness or something like that. People are after him, oh, Viv Richards has come, going for selfie or photographs or autograph. He just walked in just a normal human being. How is that possible in Antigua? Because we see him every day. He's like a normal person. We see him every day of the week. It's not like, for instance, when he goes to India. Of course, he is the man. I mean, I observed that when I was in college and I went to this store and there was this Indian guy. And when he heard I was from Antigua, he was so excited. I came back home for vacation and I said to Saviv, Saviv, can you autograph a bat so I could take it to this guy? Just that. And when I took it back to the guy, I kid you not, the guy fell on the floor
And I was like, are you serious? This guy is just like a normal person in Antigua. And it shouldn't be like that, but that's how it is. We here in Antigua, we don't worship him like we should. I will tell you that much. We should worship him, but we don't do that. Because we see him as a regular person like us. And we go our long way. We go our way. But in India and everywhere else in the world, he is a god. And I'm like, yo, that's serious? I'm like, okay, that's how it is. Thank you so much. Main yahan par kareeb 7-8 घंटे रहा, इंतज़ार कर रहा था, लेकिन आप यकीन मानिए इंतज़ार एक ज़रा भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इंतज़ार है। और जिस तरह से उन्होंने उदारता से बात की और जिस तरह से उन्होंने वक्त दिया, उनके दोस्तों ने मुझे जिस तरह से यहाँ मेरा ख्याल रखा, मैं बार बार ये कहता हूँ कि कैरिबियन जैसी पूरी दुनिया क्यों नहीं हो सकती है, जहाँ क्रिकेट भी उस दिल जिंदा दिली से वो खेलते हैं, लोगों को प्यार भी करते हैं, सम्मान भी देते हैं, ना कोई अहंकार, ना कोई घमंड, ना कोई स्टार की फीलिंग। वाह, क्या बात है। मतलब मैं क्या कहूँ आपको, मैं आप लोगों का फैंस का रिपोर्टर मैं अपने आप को मानता हूँ, और मुझे लगता है कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। और उन लोगों को बता दूँ, नई पीढ़ी के लोगों को, अगर मुझे तो ऐसे उम्मीद है कि सबको पता होगा, अगर किसी को ये नहीं पता कि विव रिचर्ड्स कौन है और क्या है, आपको इतना ही कहूँगा कि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली, ये दोनों खिलाड़ी से अगर पूछेगा कि आपके सबसे बड़े हीरो कौन है, तो वो इंडियन प्लेयर के अलावा तो बोलेंगे इंडियन, उनके जो हीरो हैं सुनील गावस्कर, कपिल देव, जो धोनी, जो भी हैं, लेकिन एक नाम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो विव रिचर्ड्स का होगा। ब्रैडमैन हो चाहे नहीं हो, विव रिचर्ड्स का जरूर रहेगा। तो विव रिचर्ड्स इतने बड़े खिलाड़ी हैं, तो ये मेरा सौभाग्य है कि एंटीगा में मैं आया, विव रिचर्ड्स से मुलाकात हुई और आप लोग के लिए स्पेशल स्टोरी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्यौहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।